नमस्कार, आप देख रही हैं पाइनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ कृष्णा सिंह। रूस और यूक्रेन के बीच लगातार 33वें दिन भी जंग जारी है। कई देशों की मध्यस्थता के बावजूद दोनों में से कोई देश झुकने के लिए तैयार नहीं है। इसी बीच तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब ने रविवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ टेलीफोन पर बात की और यूक्रेन में संघर्ष विराम की अपील की। इस बीच रूस के साथ बातचीत कर रहे यूक्रेन के प्रतिनिधि मंडल के एक सदस्य ने रविवार को अहम जानकारी देते हुए कहा कि दोनों पक्षों ने आज आमने सामने मुलाकात करने का फैसला किया है। यूक्रेन की राजधानी कीव में कर्फ्यू की अवधि में 2 घंटे की कमी करने का फैसला किया है। नई व्यवस्था के अनुसार 28 मार्च से कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहे। वहीं कीव के पास लड़ाई के चलते 2 हाई वोल्टेज पावर लाइन क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे बिजली आपूर्ति बाधित हुई। क्रेमलिन ने कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता मंगलवार को तुर्की में शुरू हो सकती है। उसने ये भी कहा कि ये जरूरी है कि बातचीत आमने सामने हो। इससे पहले खबरें आई थी कि दोनों देशों के प्रतिनिधि मंडलों के बीच वार्ता सोमवार शाम से शुरू होगी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उनकी तुर्की के समकक्ष तैयब शनिवार को एक टेलीफोन वार्ता के दौरान इस्तांबुल में बैठक के लिए सहमत हुए थे। रूस यूक्रेन युद्ध में अब तक 143 बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि 216 बच्चे घायल हुए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति का कहना है कि हमें पता है कि रूस को अपने देश के क्षेत्र से पूरी तरह से बाहर करना असंभव होगा। अगर रूस बाहर नहीं जाता है तो इसे तृतीय विश्व युद्ध होना तय है। राष्ट्रीय समाचार पत्र पाइनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कॉमेंट करना न भूलें।